ग्राम सभा गुनाकोट के ग्राम रतेड़ में तुन का पेड़ गिरने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद प्रभावित परिवार को आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन घटना के 1 माह बाद भी प्रभावित परिवार को क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं मिल सकी है। प्रभावित परिवार खिमुली देवी पत्नी गोपाल राम ने बताया कि कई बार सूचित करने के बाद भी इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन घटना के तुरंत बाद तात्कालिक सहायता प्रदान कर चुका है, लेकिन प्रभावित परिवार ने इसे नाकाफी बताते हुए मकान निर्माण हेतु धनराशि मुहैया कराने की गुहार लगाई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य घनश्याम तिवारी ने बताया कि प्रभावित परिवार को मदद के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। हाँ सर, ऐसा हो गया कि 21 तारीख तुन का पेड़ गिरने से मेरी वाइफ और एक पोता की मृत्यु हो गई, जिसमें मेरे पिताजी भी अंदर सोए थे, वो अभी गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार के दौरान पिताजी की मृत्यु 10 दिन के अंतर उनकी मृत्यु भी हो गई। और सरकार की ओर से हमें अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली जिससे कि हम मकान बना सकें। हमें मांग है कि हमें मकान के लिए कुछ आर्थिक सहायता दी जाए जिससे हम मकान बना सकें। आज हमारी मांग ये है कि 21 मई को गुनाकोट में एक टूनी का पेड़ गिरने से हमारे परिवार का नुकसान हो रखा है। बड़ी जेठानी खत्म हुई, उसके बाद 11 दिन होने के बाद ससुर जी की भी मृत्यु हो गई। उस टाइम हम जल्दीबाजी में थे तो हमने ससुर जी का घायल में नाम चढ़ाना उतना वो नहीं हुआ, इसलिए हमने उनकी 11 दिन में मृत्यु हो गई। इसलिए हमारी मांग है कि हमारे मकान बनाने के लिए 1,19,000 रुपये से कोई मकान की भरपाई नहीं हुई। इसलिए हम प्रशासन से मांग ये करेंगे कि हमारे लिए आगे को आर्थिक मदद और मिलनी चाहिए और मकान बनना चाहिए। देखिए, ग्राम सभा गुनाकोट के तोग रतेड़ में तुन के पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसमें 2 पीड़ित परिवार हैं, कैलाश राम जी की और खिमली देवी। इनके घर पूरे रूप से क्षतिग्रस्त के शासन और प्रशासन द्वारा इन्हें तकरीबन मुआवजा 1,19,000 रुपये दिया गया है। इनकी मांग है कि 1,19,000 रुपये में घर बनना आज की स्थिति में असंभव है, लेकिन अब इनकी अग्रिम जो मांग है जिला अधिकारी से और मुख्यमंत्री राहत कोष से इन्हें कुछ मुआवजा दिलाया जाए और कुछ आर्थिक सहायता के रूप में इन्हें कुछ मुआवजा और दिया जाए जिससे इनकी मतलब आगे मकान बन सके, दैनिक जीवन चल सके। इसी उपलक्ष में हम आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे और हमने ADM साहब के माध्यम से उन्हें ज्ञापन दिया है। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।